हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला सोलन में भी लंपी वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीते दो सप्ताह से लंपी वायरस के मामलों में जिला सोलन में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लोगों को भी लंपी वायरस के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। अभी तक पशुपालन विभाग सोलन द्वारा जिला की 240 पंचायतों में से 82 पंचायतों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें कैसे पशुओं का बचाव लंपी वायरस से किया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पशुपालन विभाग सोलन के उप निदेशक डॉक्टर बीबी गुप्ता ने बताया कि पशुपालन विभाग लगातार लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जिला में कार्य कर रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला की 82 पंचायतों में अभी तक लोगों को वायरस से बचाव के बारे में जागरूक किया जा चुका है। इसमें प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि जागरूकता से पशु से का बचाव किया जा सके। अगर हम कैंप्स की बात करें तो एक तो हम जागरूकता शिविर लगा रहे हैं, जिसमें 82 के करीब हमने 82 पंचायतों में जो है वो कवर किया है, उसमें जागरूकता शिविर लगाए गए हैं। उनमें डूज एंड डोंट्स, इससे कैसे बचना है और ये क्या चीज़ है, क्या वो सब किसानों को और पंचायत प्रतिनिधियों को, जन प्रतिनिधियों को, उनको भी जागरूक किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त 18,600 एनिमल्स जो हमने पूरे ज़िले में वैक्सीनेट किए हैं। अभी वैक्सीन के कार्य में तेज़ी लाई जाएगी और जो रिकवर्ड एनिमल्स हैं, जिस क्षेत्र में ये थोड़ी बीमारी थम चुकी है या कम हो गई है, बहुत नाम मात्र है, उस क्षेत्र को भी वैक्सीन के अंतर्गत अब लाया जाएगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा ग्राफ घट रहा है। इस समय हमारे पास 12,000 के करीब टोटल अफेक्टेड एनिमल्स हैं जब से ये बीमारी ज़िला में आई है, जिसमें से 7500 के करीब जो है वो रिकवर हो चुके हैं और 4000 के लगभग हमारे एक्टिव केसेस हैं अभी, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और 706 एनिमल्स की आज तक का जो डाटा है वो डेथ हुई है पूरे जिले में। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जिला सोलन में भी लंपी वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीते दो सप्ताह से लंपी वायरस के मामलों में जिला सोलन में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लोगों को भी लंपी वायरस के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। अभी तक पशुपालन विभाग सोलन द्वारा जिला की 240 पंचायतों में से 82 पंचायतों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें कैसे पशुओं का बचाव लंपी वायरस से किया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पशुपालन विभाग सोलन के उप निदेशक डॉक्टर बीबी गुप्ता ने बताया कि पशुपालन विभाग लगातार लंपी वायरस की रोकथाम के लिए जिला में कार्य कर रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला की 82 पंचायतों में अभी तक लोगों को वायरस से बचाव के बारे में जागरूक किया जा चुका है। इसमें प्रधान, पंचायत प्रतिनिधि और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि जागरूकता से पशु से का बचाव किया जा सके। अगर हम कैंप्स की बात करें तो एक तो हम जागरूकता शिविर लगा रहे हैं, जिसमें 82 के करीब हमने 82 पंचायतों में जो है वो कवर किया है, उसमें जागरूकता शिविर लगाए गए हैं। उनमें डूज एंड डोंट्स, इससे कैसे बचना है और ये क्या चीज़ है, क्या वो सब किसानों को और पंचायत प्रतिनिधियों को, जन प्रतिनिधियों को, उनको भी जागरूक किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त 18,600 एनिमल्स जो हमने पूरे ज़िले में वैक्सीनेट किए हैं। अभी वैक्सीन के कार्य में तेज़ी लाई जाएगी और जो रिकवर्ड एनिमल्स हैं, जिस क्षेत्र में ये थोड़ी बीमारी थम चुकी है या कम हो गई है, बहुत नाम मात्र है, उस क्षेत्र को भी वैक्सीन के अंतर्गत अब लाया जाएगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा ग्राफ घट रहा है। इस समय हमारे पास 12,000 के करीब टोटल अफेक्टेड एनिमल्स हैं जब से ये बीमारी ज़िला में आई है, जिसमें से 7500 के करीब जो है वो रिकवर हो चुके हैं और 4000 के लगभग हमारे एक्टिव केसेस हैं अभी, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और 706 एनिमल्स की आज तक का जो डाटा है वो डेथ हुई है पूरे ज़िले में।